ये जंगल हमारा बाप दादा ने बचाया हुआ है। जब हम छोटे थे तब हमारा वडिलो बाप दादा जो है वो इस जंगल को काटने नहीं देता था किसी को। जो कोई भी हरा पेड़ मतलब नीला पेड़ काटते हैं तो उसमें पेनल्टी लगती थी। जो जंगल हमने बाप दादा ने हमारा बाप दादा ने इतना बचा के रखा है, तो ये पवन चक्की वाला अभी इधर आया है। ठीक है, आपको पवन चक्की लगाना हो जहाँ पेड़ नहीं है तो वहाँ लगाओ, कोई बात नहीं, मगर जहाँ पेड़ है उसमें कितना जानवर रहते हैं, कितना पशु पक्षी रहते हैं। मोर का, ये मोर का घर, इतने तो इधर तो मोर बहुत रहते हैं। गुजरात के कच्छ स्थित संगनारा गांव एक कांटेदार जंगल के बगल में बसा हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जंगल को अंतिम कुछ बचे कांटेदार उष्णकटिबंधीय जंगल के तौर पर सूचीबद्ध किया है। जंगल में कई तरह के जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जंगल में मौजूद खैर और बोर जैसे पेड़ों का इस्तेमाल इनके औषधीय गुणों की वजह से स्थानीय लोग करते हैं। वनोपज को बेचकर यहाँ के कई लोग अपना गुजारा करते हैं। अक्षय ऊर्जा के संयंत्रों के मामले में गुजरात देश का अग्रणी राज्य है। यहाँ कई बड़ी हरित ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं। वर्ष 2015 में सुजलॉन पहली कंपनी थी जिसे संगनारा गांव में पवन चक्की लगाने की अनुमति मिली थी। उसके बाद गांव में तीन अलग अलग कंपनियों को 29 पवन चक्कियां लगाने की अनुमति मिली। पवन चक्कियों की वजह से गांव के मालधारी समुदाय के लोगों पर बुरा असर हुआ है। हमारे यहाँ तो देखो एक घून का पेड़ है, जैसे ये मीठे मीठे जो पेड़ है जिसका घून हम खाते हैं, वो पूरे हमारे गांव में कोई कोई लोग होते हैं वो निकाल के उसका गुजारा करते हैं। कोई है जो गांव बकरियां चराने जाता है, जैसे हमारे गांव में बहुत सारी गाय है, बहुत सारी भैंस है, और भी वो ऊंट वो सभी है हमारे गाँव में, तो वो सब जंगल में ही जाते हैं खाना खाने। दिन भर तो वो वही रुकते हैं, तो उसको तो खाना चाहिए। और ये जो पवन चक्की लगाते हैं वो सब उसका जो आज आसपास का जो एरिया रहता है वो सब बंजर जैसा बना देते हैं गाड़ी चला चला के सब। આ રાતના છે ને એ પડછાઈ અજવાળામાં પડે છે ઘર ઉપર, અને પવનચક્કીનો બહુ જ રાતના ઘોંઘાટ આવે છે, અને નાના નાના છોકરા પણ સૂઈ નથી શકતા, મોટા પણ સૂઈ નથી શકતા। ચોમાસામાં અમને બહુ દિક્કત આવે છે, કારણ કે વીજળી હોય, ચોમાસામાં લાઇટનું કામ છે બધું, એટલે બહુ પશુપાલનને બહુ કટાડો થાય છે એમ, જીવજંતુ બધાને પક્ષીઓને। સંગનારા કે જંગલમાં કઈ મોર ભી દિખતે હૈ। मोर किसानों के दोस्त माने जाते हैं क्योंकि वे खेतों से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का सफाया करते हैं। पवन चक्की और बिजली के तारों की वजह से इलाके की जैव विविधता प्रभावित हुई है, इसकी वजह से खेती बाड़ी को नुकसान हो रहा है। मैं मोस्टली नखत्राणा तालुका, भूज तालुका, मांडवी, अबड़ासा तालुका आते हैं, जिसमें पीकॉक की पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी है, और इस एरिया में ड्यू टू द ट्रांसमिशन लाइन पिकॉक डेथ या इलेक्ट्रोक्यूशन और कोलाइजन से ज़्यादातर डेथ होती है। तो लास्ट 3 ईयर में देखा जाए तो डेथ का रेशियो बहुत बढ़ गया, जिसमें अराउंड 60 इंसिडेंट्स अभी तक रिपोर्टेड है। ये रोकने के लिए या इसके मिटिगेशन के लिए, एक तो इस एरिया में जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको इंसुलेट करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। उसके अलावा आप बल्ब रिफ्लेक्टर या फिर डाइवर्टर भी लगा सकते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिक पोल है तो उसको भी हम बल्ब स्पाइक से कवर कर सकते हैं, जिसके कारण ये इंसिडेंस हम रोक सकते हैं। हमारे यहाँ नेचुरली जो जंगल में मधुमक्खियाँ रहती है वहीं पे आती है, और पवन चक्की लगने से उसका पवन चक्की की आवाज़ से मधुमक्खी ज़्यादातर इससे से निकल गई है, एक जगह से दूसरी जगह पे मधुमक्खी जाती है, तभी पवन चक्की की आरपीएम से उसका पंखों में टकरा के वो मर जाती है, और इसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है, पर यहाँ ये रुकती नहीं है, इसलिए हमने दूसरी जगह पे मधुमक्खियाँ खर्चा करके यहाँ पे लानी पड़ती है। तो सीधी बात है कि पवन चक्की से हमको ये इसकी फलनी करने में भी नुकसान होता है, मधुमक्खी की ज्यादा नुकसान होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ पवन चक्कियां गौचर भूमि पर लगाई गई हैं। उनका आरोप है कि कंपनियों ने इस जमीन पर चक्कियां लगाने के लिए जमीन को बंजर बताया। ये वाला पॉइंट जो है 2016 में इधर पॉइंट लगाया है, 3-4 साल वो कंपनी वाला इधर आया ही नहीं,
काम करने के लिए फाउंडेशन वो लगा के चला गया, तो हम लोग काम वाला ने सोचा कि वो अभी कंपनी वाला वो पवन चक्की लगाने नहीं आएगा। वो क्या कर रहा था सरकारी मेटल में वो हमको पता नहीं चला। वो 1984 में हमारा जो नक्शा है उसमें हमारा ये गौचर में आया, तो हमने मना किया। वो जो काम करने आया था वो उसका नक्शा लेके आया, वो हमको बताया नया नक्शा कि वो तुम्हारा प्रमोकेशन हो गया है, हमारा वो नक्शे में है वो जो बाहर है, तुम्हारा गौचर में नहीं है, गौचर से बाहर है। तो हमने उसके सामने लड़ाई की गांव वाले ने कि भाई कोई भी है, लड़त चलाई हमने कि हमारा 1984 में जो पुराना नक्शा है उसके हिसाब से चलो। अभी बाजू में मासूणा गांव है, अभी बाजू में दूसरा गांव है, उसका किसी का प्रमोकेशन नहीं हुआ है, तो हमारा गांव का प्रमोकेशन कैसे हो गया? जो हमारे यहाँ कच्छ का जो कहते हैं कंटाला जंगल, वो उससे हरा भरा जंगल है, गांडा बावड़ हमारे यहाँ नहीं है। कि हमारे गांव में पेड़ तो है, तब कंपनी वाला मिलकर कलेक्टर को ऐसा बोला है कि यहाँ का जो एरिया है वहाँ कोई पेड़ बेड़ है ही नहीं, पूरा खराब का खराबे का ज़मीन है, कोई पेड़ लगा नहीं हुआ है, कोई पर्यावरण नहीं है, ऐसा लिख के यहाँ पे सिर्फ गांडा बावड़ खड़ा है ऐसा बताकर उसने ऑर्डर ले लिया है। जो कलेक्टर है जिसने ऑर्डर किया है उसको भी अंधेरे में रख दिया है। तो गांव वाला ने उसका पर्दा हटा दिया, सब सरकारी कचहरियों को बता दिया कि यहाँ देखो आप पूरा जंगल हरा भरा है। तो उसके बाद हमारे गांव में काम बंद है। लेकिन जो जंगल है वो जंगल है हमारे गांव के अगल बगल के जितने भी गांव हैं वो सब गांव में जंगल ही जंगल है। लेकिन दूसरे गांव वाले शायद कोई पैसा वैसा ले लेता हो, ऐसा कुछ बनता होगा, लेकिन हमारा गांव वाला कोई पैसा लेता नहीं है और काम करने देगा नहीं, जंगल निकालने नहीं देगा।